लेकिन सर जब किला बनाया गया तो इस किले को सेव एंड प्रोटेक्ट करने के लिए जो खाई बनाई, दोनों खाई ये बनी, आगे वाली खाई में वो लोग पानी भरकर उसमें क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर रखते थे और अंदर वाली खाई में बेंगोल टाइगर रखते थे और मिडिल वाली वॉल पर सोल्जर्स खड़ा रहता है तीर कमान लेकर, जिससे कोई भी दुश्मन पर चढ़ाई ना कर सके। ये आगरा फोर्ट को सिक्योर और सेफ करने के लिए पूरा राउंड बनाया गया चारों दिशा जबकि शाहजहां और मुमताज यही रहते थे। आगे इनका बेडरूम है जो कि मैं आपको आगे दिखाने का, जो ये रूम देख रहे हैं आप ये मुगल्स का स्पेशल रूम, ये स्पेशल रूम है मुमताज का बेडरूम। शाहजहां मुमताज वही है जिनने ताजमहल को बनाया है मुमताज के मरने के बाद, बल्कि शाहजहां और मुमताज यही रहते हैं। ये इनका बेडरूम है, इस रूम को देता है स्पेशल रूम। इतने स्पेशल क्यों बोला गया, क्योंकि मुगल लाइट करने के लिए पूरे किले में मशालों को जलाते थे। इस कमरे में मशालों को नहीं जलाया गया क्योंकि मशालों से धुआं निकलता है और ये कमरा धुएं में काला हो जाएगा। तब उन्होंने इस कमरे में लाइट कैसे करी, लाइट करने का तरीका देखा, ऊपर वो डिजाइन गवर्नमेंट ने पेंट किया हुआ है कॉर्नर में आप लोगों को दिखाने के लिए। मुगल स्टैम्प रियल गोल्ड प्लेन नॉलेज कवर, ये सब रियल गोल्ड की हीरे का झूमर। इसके दोनों साइड में फुटिंग क्रीम लगी हुई जिसमें कैंडल लाइट लैम्प, तीनों साइड कर्टन से कवर करके आता था कमरे को। कमरे में हो जाता था अंधेरा, उस अंधेरे में कैंडल लाइट से डायमंड शाइन होता है, उसकी शाइनिंग से गोल्ड शाइन होता है। ये दोनों ग्रीन कक्षण थे पूरे कमरे का। अब स्पेशल तरीके से लाइट होगा इसलिए चीज को बोला गया स्पेशल। यही है शाहजहां और मुमताज का बेडरूम, वो दोनों इसी महल का यूज करते हैं। वो दोनों मुमताज के मरने के बाद उनकी याद में ताजमहल को बनाया गया। इस महल में जो भी डिजाइन है सब रियल गोल्ड थे, जो भी डिजाइन देंगे सब रियल गोल्ड। ये सारा गोल्ड सब अंग्रेज चुराते हैं, अंग्रेज के पास लेकर सब अंग्रेजों के टाइम में लूट लिया गया। जो स्टोन है स्टोन भी खाप दिया है सर, और जो स्टोन है सर नगर स्टोन जिससे ताजमहल बना है सेम वही स्टोन है। इसको हमें लाइट करते तो लाइट ऑब्जर्व करता है इसमें लाइट चलाता है जी। स्टोन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ऊपर लाइट क्या पूरे ट्रांसफर हो गए ले जी। ये पूरा मुगल्स का गार्डन है, ये गार्डन है मुगलों का अंगूर का बगान ग्रेप्स गार्डन। मुगल्स टाइम पे यहाँ पर अंगूर की खेती होती थी। जब अंगूर होते थे तो अंगूर को बीच वाले कॉलम में डाल दिया जाता था, फिर उसके जूस से वाइन बनवाई जाती थी और राजा लोग उसका ड्रिंक करवाते थे। ये मुगलों का बहुत फेमस गार्डन है जी। मुगल बहुत चलाक थे, मुगल मुस्लिम थे, मुस्लिम लोग कभी वाइन नहीं पीते। मुगल जब यहाँ पे राज करता था सबसे ज्यादा राजा था हिंदुस्तान में हिंदू राजा। मुगल्स को कभी भी किसी हिंदू राजा से किसी बात को कहलवाना या मनवाना होता था, पहले उन्हें इनवाइट करते थे। इनवाइट करने के बाद उन्हें खूब डटकर शराब पिलाते थे, उन्हें अपने बस में करने के बाद उनसे अपनी बात को कहलवाया करते। दिल्ली फेमस गार्डन का नाम है अंगूर का बगान। अभी गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर रखा है।